नमस्कार दोस्तों, चौपाल समाज के YouTube चैनल में मैं संजीव समीर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बिहार शिक्षक संघर्ष समिति के द्वारा 25 नवंबर को क्षेत्रीय विधायक विधान परिषद के आवास को घेरने की हो रही है तैयारी। शिक्षा शिक्षक विरोधी तथा कथित सुशासन की सरकार को उच्च न्यायालय पटना के आदेशों की अनदेखी करना आने वाले दिनों में भारी पड़ेगा। शिक्षा विरोधी नीतियों को बनाने वाले कुनबे के दिल में शिक्षकों का विरोध जाने का नाम ही नहीं ले रहा। उच्च न्यायालय के नया निर्णय की धज्जियां उड़ाते हुए शिक्षकों को वेतनमान से महरूम करने की भी एक चाल नहीं छोड़ा गया। सरकारी खजाने से करोड़ों खर्च करके शिक्षकों के वेतन नहीं देने की इनकी कपटी चालों को समाज देख चुका है, परंतु वे अपना वेतन तथा अपना लाभ मेज थपथपा कर गुणात्मक रूप से बढ़ाते जा रहे हैं। उक्त बातें शिक्षक न्याय मोर्चा जिला संयोजक राधेश्याम सिंह एवं सचिव मोहम्मद सरफुद्दीन ने बयान जारी कर कहा। उन्होंने कहा कि हद तो तब हो गई जब हमारे शिक्षकों के साथ साथ ठेके पर बहाल कर्मियों के बुढ़ापे के सहारे के लिए उच्च न्यायालय पटना ने ईपीएफ का लाभ देने का फैसला दिया तो कर्मियों को एक उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी, परंतु इस शिक्षा विरोधी सरकार को यह भी हजम नहीं हो रहा। सरकार कर्मियों के एक छोटी सी उम्मीद को ठिकाना लगाने के लिए न्यायालय जाने का मन बना चुका है। शीघ्र ही बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति इसका ऐलान करेगा। आंदोलन की तैयारियों को लेकर दिनांक 25 नवंबर 2019 को क्षेत्रीय विधायक व विधान परिषद के सदस्यों के आवास पर उनका घेराव करते हुए ज्ञापन सौंपेंगे। पूरे बिहार में शिक्षक नीतीश कुमार को इस बार अब उखाड़ फेंकने का संकल्प ले चुके हैं। पूरा प्रखंड स्तर पर शिक्षकों की गोलबंदी प्रारंभ है और शिक्षक गोलबंद हो चुके हैं। अभी हम लोग 28 शिक्षक संगठन एकजुट होकर के 25 नवंबर को बिहार के सभी विधायक माननीय विधायक और विधान परिषद के आवास पर धरना देंगे और उनको मांग पत्र अपना देंगे कि अब राजनीति शिक्षकों के साथ सरकार बंद कर दे। हमारी जो मूल मांग है समान काम के लिए समान वेतन, मतलब क्या है कि नियमित शिक्षक जो हमारे यहाँ कार्यरत है उनको जितना वेतनमान मिलता है, उनको जो सुविधा मिलता है, वो हम नियोजित शिक्षकों बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों को सरकार दे दे। अन्यथा इस बार चुनाव में उनका जबरदस्त विरोध करने की हम लोगों ने तैयारी प्रारंभ कर ली है। अभी आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार में MLC का चुनाव चल रहा है, किसी भी सीट पर हम लोग जदयू भाजपा और लोजपा गठबंधन के उम्मीदवार को नहीं जीतने देंगे। इसके लिए हम लोग सिर्फ भाषणबाजी नहीं कर रहे हैं, पूरे बिहार में हमारे लाखों के तादाद में शिक्षक मतदाता बन चुके हैं और कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से हम लोग BJP को हराने जा रहे हैं, पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से हम लोग JDU को हराने जा रहे हैं। इसलिए इसी तरह से तमाम रणनीति हम लोगों के द्वारा वोट की लड़ाई के लिए बन चुकी है और सड़क से सदन तक की लड़ाई इस बार हम लोग बजट सत्र तक जो है आक्रामक रूप से चलाने जा रहे हैं। हम इस शिक्षकों की जो गोलबंदी है वह किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं है, यह हमारा अपना जो 16 साल से सरकार से मांग चल रहा है कि हमको समान वेतनमान मिले जो नियमित शिक्षकों को राजकर्मी का जिस प्रकार सरकार ने दर्जा दिया है वही दर्जा नियोजित शिक्षकों को भी मिले, उनको भी समान सुविधा मिले। इसके लिए हम लोगों ने इस बार सड़क से लेकर सदन तक की निर्णायक लड़ाई प्रारंभ कर दी और सभी शिक्षक चाहे वह नियोजित हो या नियमित हो एकजुट हो चुके हैं, एक मंच पर आ चुके हैं और 25 नवंबर को पहले चरण में हम लोग विधायक के आवास पर धरना देके मांग पत्र देने जा रहे हैं। तो ये थी आज की मुख्य खबर। अन्य खबरों को जानने के लिए इस चैनल पर बने रहें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।